oscillate with simple harmonic motion, and between two points x1 and x2 the potential energy plotted. अब देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ सबको पढ़ाया जाता है इस दुनिया में, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ ना पढ़ा हो. हम सबको पता है कि ये पार्ट एक्सट्रीम पोजीशन होता है, ये मीन पोजीशन है, ये कहता है कि x1 है, ये कहता है कि x2 है. यहाँ से पार्टिकल जाएगा, रुकेगा, वापस आएगा, यहाँ रुक नहीं पाएगा, इधर चला जाएगा, फिर आएगा, एंड सो ऑन. तो जब कभी भी पोजीशन डिपेंडेंट ग्राफ बनाया जाता है, दिस इज द पोजीशन, दिस इज द एनर्जी. तो हम सबको पता है कि जो मीन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, वो एक पैराबोलिक होता है और वो ऐसे ग्राफ आता है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी मैं मीन पोजीशन से ले रहा हूँ, मीन पोजीशन पे जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो ले रहा हूँ, और यहाँ पर तो उसकी जो ग्राफ आती है वो कुछ ऐसा आता है, और टोटल एनर्जी ऐसे हमेशा कॉन्स्टेंट होता है. तो ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, जहाँ काइनेटिक मैक्सिमम वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है टाइम के रिस्पेक्ट में. मतलब ये हुआ कि ए ऑप्शन सही है. आसान ग्राफिकल क्वेश्चन था.